दोस्तों कांतास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जलेबी बनाना बताती हूँ। दोस्तों मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जलेबी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप मेजरमेंट वाला कप है और 1.5 कप मैदा लिया है, उसी से 1/2 कप दही लिया है, 2 चम्मच मैंने ये टेबल स्पून ऑयल लिया है, कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, और 2 ही चम्मच मैंने बेसन लिया है टेबल स्पून, और पिंच अपने मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर लीजिए चाहे सोडा लीजिए। देखिए दोस्तों ये मैं 1.5 कप जो मैदा लिया ना ये थोड़ी सी पहले डालती हूँ, ये जो दही लिया 1/2 कप ये मैं इसमें दे दूँ, और ये सुसुम पानी लिया मैंने 1 कप, जितना मुझे ज़रूरत होगा उतना मैं इसमें डालूँगी। मेजरमेंट आपका इसी हिसाब से लेना है, आप यदि रात को भी घोल करके रखते हो तब तो दही कम लीजिएगा तो जलेबी बहुत अच्छी बनेगी। ये हमें 1 घंटे के लिए इसको ऐसे बना घोल तैयार करके रख देंगे। इंस्टेंट भी बना सकते हैं, कम से कम उसके लिए 15-20 मिनट तो रखनी पड़ेगी। 1 घंटा रखने से खमीर अच्छा हो जाता है तब जलेबी भी अच्छी बनती है। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती हूँ मैं, ये जो 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था ये भी इसी में दे रही हूँ। आप बेसन भी दे सकते हो, चावल का आटा हो आप वो भी दे सकते हो 1 चम्मच, आपके पास जो अवेलेबल हो वो दे सकते हैं। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, ये देखिए मेरे इसमें बिल्कुल लम्स नहीं आए ना, देखिए बिल्कुल लम्स नहीं है। अब ये जो 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है ये मैं दे रही हूँ इसके अंदर, ये जो मीठा सोडा है ये दे रही हूँ, बेकिंग पाउडर मीठा सोडा आप कुछ भी दे सकते हो। यदि हमें रात को घोल बना के रखना है तब इसकी ज़रूरत नहीं है सोडे की। ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया इस तरह से। अब मैं इसको 1 घंटा 2 घंटा इसको रख दूंगी, जब मुझे बनानी होगी उस समय बना सकती हूँ। यदि इंस्टेंट भी बनाना हो तो आप 15 मिनट बाद में इसको बना सकते हो। इसके अंदर जलेबी की चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है, 2 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है, चुटकी भर हल्दी ली है और 3/4 में पानी ली हूँ। जलेबी की चाशनी बनाना बताती हूँ। मैंने ये गैस पे कढ़ाई रख दी, 3/4 मैंने ये पानी लिया जो इसमें डाल रही हूँ पहले, और मैं इसमें ये जो 1.5 कप चीनी ली हूँ ना ये मैं इसमें दे रही हूँ। अब मैंने इसमें ये हल्दी डाल दी, आप इच्छा तो आप कलर भी डाल सकते हो। अब ये खोलेंगे, जब तक थोड़ी ये सीज जाएगी तब मैं इसमें 2 चम्मच नींबू का रस दूंगी। इसमें मैंने 2 चम्मच और 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाला। अभी हमारी चाशनी देखिए तैयार है, देखिए ये ऐसे धीरे धीरे रस टपक रहा है ना, ये चीनी चपचपाट होनी चाहिए बस, बिल्कुल ये हमारी परफेक्ट है। ये मैंने अब गैस बंद कर दी, इसमें मैं केसर और इलायची अब दे देती हूँ, सुसुम मतलब गरम चाहिए जलेबी में, ज़्यादा तेज़ गरम में भी जलेबी नहीं डालनी चाहिए फिर वो नरम पड़ जाती है। दोस्तों ये मैंने जो जलेबी का आपको घोल बताया था ना कि इसको रेस्ट करने के लिए रखा था, इसको मेरे को 1.5 घंटा हो गई है, अब ये इस तरह से ये तैयार हो गया।
इसको हम है ना इस तरह से खूब अच्छे से फेंटेंगे इसको, जितना इसको हम फेंटेंगे उतनी ही जलेबी अच्छी बनती है। ये देखिए, इसके लिए मैंने चाशनी तो बनाई ली, अब आपको ये कैसे बनती है वो भी बताती हूँ। जो हम लोग केक बनाते हैं उसमें जो ऊपर डिजाइन करने के लिए कोन लाते हैं, उस कोन से भी आप निकाल सकते हो। दूध की प्लास्टिक की थैली आती है उसमें भी चरा सकते हैं, कैंची से काट के छेद करके उसमें भी इसको कर सकते हो। और सॉस की बोतल आती है उसमें भी आप इस घोल को डाल के कर सकते हो। आपके पास जो अवेलेबल हो उससे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जलेबी बनाना कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी रेसिपी है ये, ठीक है। अब मैंने इस कुप्पी में ये घोल डाल दिया। अब देखिए, अब मैं इसको आपको निकाल के बताती हूँ कि तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी जलेबियाँ इस तरह से बन गई और ये कितनी सुंदर लग रही है ना, देखिए ये तैयार हो गई अपनी। ये थोड़ी करारी करेंगे, देखिए इसको गैस के फ्लेम को तेज कम करना है, ज़्यादा तेज में जल भी जाती है। एक बार जब डालते हैं ना ऐसे ऐसे घी भी ठंडा हो जाता है, तो तेज रखते हैं थोड़ा मीडियम, फिर वापस इसको कम करेंगे तो कुरकुरी अच्छी बनेगी। अब मैंने जैसे इसकी फ्लेम कम कर दी, यदि हमें इससे मोटी बनानी है तो कुप्पी को थोड़ा सा और मोटा कर लीजिए काट के। ये हमें जैसी जिस तरह की लाल चाहिए वैसे ही निकालनी, कोई जरूरी नहीं है आपको ज्यादा लाल चाहिए या थोड़ी ऐसे नरम चाहिए तो कम आखिरी करो करारी। ये देखिए, ये हमारी तैयार हो गई। अब मैं इनको चाशनी में डाल रही हूँ। ये देखिए, ऐसे चाशनी में इनको दे रही हूँ। ऐसे करके इसका घी निकल जाता है अच्छे से, चिमटे से करते हैं तब। अब ये देखिए, अभी मैंने इनको चाशनी के अंदर डिप कर दी। अब जो पहले डाली ना मैंने उनको निकाल देती हूँ बाहर, क्यों फिर ज़्यादा चाशनी हो जाएगी उसमें, मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए मैं आप कोई चलनी रख लीजिए या आपकी घयाकस है उसके ऊपर निकाल के रख दीजिए, तो उसकी जो चाशनी एक्स्ट्रा लगती है ना वो सब निकल जाएगी बाहर। ये देखिए, इस तरह से करके मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। ये जो पहले चीनी में डाली थी मैंने वो निकाल रही हूँ। ये निकाल के मैंने ये चाशनी में इसको 5-7 मिनट इसी के अंदर रखूंगी। देखिए दोस्तों, ये जलेबी बनके तैयार हो गई।